सरपंच सचिव और रोजगार सहायक संयुक्त तो मोर्चा जिला खरगोन के आह्वान पर आज सोमवार से जनपद पंचायत कसरावद में समस्त सरपंच सचिव और रोजगार सहायक बस स्टैंड के पास टेंट लगाकर आंदोलन पर बैठ गए, जिसमें सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष संतोष अकोले, सचिव संगठन ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह देवले, सरपंच सुनील पटेल, अमृत पटेल, जगदीश निगवाल, भूरा जी, सचिव जितेंद्र पटेल, रोजगार सहायक नीलेश शर्मा एवं अन्य सरपंच सचिव रोजगार सहायक उपस्थित है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। कालीन कलम बंद हड़ताल जो की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है ये हड़ताल? हमारी सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के संयुक्त तत्वाधान में जिले के आह्वान पर की जा रही है। हमारे संयुक्त मोर्चे के द्वारा ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया था, जिसमें हमारे ऊपर हितग्राही मूलक योजनाओं पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव डाला जाता है। इसी कड़ी में हमारा खरगोन जनपद से एक जगदीश पाटीदार जो सचिव था वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है। हमारी ये मांग है शासन से कि हमारे पर जो हितग्राही के स्वयं पैसा उनके खाते में जाता है, स्वयं उसके लिए जवाबदार रहता है। हमारे पर प्रशासनिक दबाव डालकर काम करवाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रशासनिक दबाव हमारे पर नहीं डाला जाए और जो जनप्रतिनिधियों के साथ में अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है यह नहीं किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कार्रवाई होगी? हमारे जिले से जो भी हमको निर्देश प्राप्त होता रहेगा उसे लगातार जारी रहेगी। हमारे आपका गुलाब सिंह देवले, ब्लॉक अध्यक्ष, सचिव संगठन कसरावद। सरपंच संघ और सचिव वगैरह क्या मांगे आपकी? हमने 9 बिंदुओं के ऊपर जो शासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को और माननीय जिला पंचायत CO खरगोन को ये ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी 9 मांगे थी और उन 9 मांगों को देने के ज्ञापन देने के लिए जब हम गए थे उस समय हमारे ज्ञापन को लेने के लिए भी कलेक्टर महोदय के यहाँ से लगभग 1 घंटे तक कोई नहीं आया और बाद में जब उनके अधीनस्थ अधिकारी जो है अपर कलेक्टर मालविया साहब वो आए थे, उन्होंने हमारे एक सरपंच का गमछा खींचा था, जिससे सरपंच लोगों में व्याप्त है, जनप्रतिनिधि के सामने ये अशोभनीय व्यवहार किया है, ये अमानवीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उसके बाद CO जिला पंचायत खरगोन मैडम के पास हमारा प्रतिनिधि मंडल इस विषय पे फिर से चर्चा करने गया था, तो उसमें भी बढ़वा के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार वर्मा जी को, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे, उनको बाहर कर दिया। इसकी भी मैं निंदा करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जिन बिंदुओं पे हमारे मांग है उनको शासन स्तर पर पहुँचाया जाए और जो कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र का और जिला पंचायत CO के अधिकार क्षेत्र का है वो उनको अपने स्तर पर निराकरण करें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम संयुक्त जिले की बैठक लेकर आगामी रणनीति बनाकर प्रांतीय स्तर का भी आंदोलन कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष अकोले, मैं ग्राम सैलानी से सरपंच हूँ जनपद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।